हैं कि जो भी एक्टिंग अब होने के लिए जो है इधर देखिए सर थोड़ा सा सम्मान हो जंग आरू कटे अकीना सम्मान हो असम झारखंड बंगाल के विभिन्न राज्यों
सॉरी बंगाल के विभिन्न जिलों और कस्बे से हमारे आदिवासी समाज आज इस जयंती में पहुंचे हैं और उनका मल्यार्पण हमारे बिरसा मुंडा का मल्यार्पण व अन्य महापुरुषों का मल्यार्पण कर उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। बिरसा मुंडा एक ऐसे शख्सियत है जो पूरे भारत में उन्होंने एकता का प्रतीक दिया और भारत में सभी जगहों में उनका जो है मान सम्मान दिया जाता है और उन्होंने आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए पूरे भारत में जो है सभी आदिवासी को एक जगह लाने का काम किया था और एक गुलगुलान भूखा था उन्होंने। केवल उनकी उम्र 25 वर्ष में ही उन्होंने एक ऐसा उलगुलान मचाया था, एक ऐसा उलगुलान उन्होंने किया था जो पूरा आदिवासी समाज का विकास उनकी अधिकार के लिए उन्होंने बहुत आगे और युवाओं को विशेषकर उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया था। ये भी इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि वह एक युवा वर्ग थे, युवा से आते थे और केवल 25 वर्ष में ही उन्होंने एक ऐसा विशाल उलगुलान तैयार किया जिससे पूरा देश, पूरा ब्रिटिश का जो काल था उसको तोड़ने का काम किया। उलगुलान उलगुलान अब उनको डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से बैच बनाकर उनका सम्मान करेंगे। उलगुलान जोहार करेंगे आप लोग। उलगुलान 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 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह उलगुलान हमारे बिरसा मुंडा ने ली थी, उसी के उनके सम्मान में यह हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उलगुलान 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 क्योंकि आज हम सम्मान कर रहे हैं। उलगुलान उलगुलान सम्मान दिया जा रहा है। उलगुलान 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 उनको सम्मान किया जा रहा है। पल्टू सोरेन को ऑल आसाम आदिवासी कोल समाज सेंट्रल समिति दीपक कोल, वाइस प्रेसिडेंट ऑल आदिवासी कोल समाज सेंट्रल समिति दीपक कोल आसाम। उलगुलान 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 जोहार उलगुलान जोहार उलगुलान जोहार उलगुलान जोहार उलगुलान जोहार। अब तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से बैच बनाकर उनको सम्मान दिया जा रहा है और उनको गमछा भी देकर उनको सम्मान किया जा रहा है। दीपक कौल ये हमारे अतिथि आसाम से आए हैं, इनका जोहार है, वेलकम है। अगले अतिथि एडवाइजर ऑल आसाम आदिवासी कोल समाज सेंट्रल समिति डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर से अनुरोध है कि वो सम्मान मंच तक लाए, उनका हम सम्मान करते हैं। और केवल आप आवाज में कोताही ना करें, आवाज थोड़ा उलगुलान लगाएं, थोड़ा जोहार अच्छा सा लगाएं ताकि लगना चाहिए कि हम उलगुलान उलगुलान। अब हमारे हॉरेन कोल जी
उनको बैच पहनाकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से उनको सम्मान किया जा रहा है। फॉरेन कोच जी ये आसाम से आए हैं, बहुत ही दूर दराज से आए हैं आपके बीच में, आपके समक्ष अपनी आदिवासी की दास्ता, उनकी कहानी आज उनकी जुबानी हम सुनेंगे। उनको गमछा देकर सम्मान दिया जा रहा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी पश्चिम बंगाल की ओर से लेकर सम्मान दिया जा रहा है और उनको गमछा देकर सम्मान किया जा रहा है। इनका इस धरती में आज पहला कदम है उनका। उन्होंने हमें बता रहे थे कि जोहार है सर आपको, उन्होंने बता रहे थे कि यह मेरा पहला कदम है, तो सर आपका स्वागत है आपका इस धरती में। अगला हमारे मानवता सम्माननीय आदरणीय तपन कोरा मेंबर पश्चिम बंगाल आदिवासी कोरा समाज जवान महल, उल गुलाम, 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 उनको डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से बैच देकर सम्मान किया जा रहा है और उनको गमछा देकर सम्मान किया जा रहा है। तपन कोरा पश्चिम बंगाल आदिवासी कोरा समाज जुवन महान, आपका स्वागत है सर, आपका वेलकम है सर। अगले अतिथि हमारे हैं, हमारे बीच बाबूलाल कोल ओल्ड ट्राइबल एक्टिविस्ट अलीपुर द्वार, ये अलीपुर द्वार से आए हैं। इनका उल गुलान जोहार करेंगे, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से उनको बैच पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और उनको गमछा देकर सम्मान किया जा रहा है। आपका पश्चिम बंगाल में आपका स्वागत है सर, वेलकम है महोदय जी, जोहार। अगले अतिथि हमारे हैं बानेश्वर हेम्ब्रम, मानवकान बानेश्वर हेम्ब्रम, जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पश्चिम बंगाल, बानेश्वर हेम्ब्रम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, जोहार, उल गुलाम, जोहार, उल गुलाम, जोहार। उनका सम्मान डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से बैच पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और उनको गमछा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है। तो हम उल गुलाम की जोहार से उनका सम्मान करते हैं, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम। आपका वेलकम है सर, आपका अभिनंदन है सर, आप अपने स्थान ग्रहण करें, जोहार। अगले अतिथि हमारे बीच में अजय कोल ट्राइबल एक्टिविस्ट हुगली, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम। अजय कोल ट्राइबल एक्टिविस्ट हुगली, इनका डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से बैच बनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको
गमछा देकर सम्मान किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत फूल जुहार है, गुलाब जुहार है सर। आप पश्चिम बंगाल के इस भूमि में आए, आपका स्वागत है। जोहार। अगला अतिथि दिलीप कौल कौल सिंगर झारखंड। दिलीप कौल कौल सिंगर झारखंड। उल गुलाम उल गुलाम कहार उल गुलाम कहार उल गुलाम कहार उल गुलाम कहार। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से इनको बैच बनाकर सम्मान किया जा रहा है और इनको गमछा देकर भी सम्मान किया जा रहा है। आपको पश्चिम बंगाल की धरती में स्वागत है सर। आपका दारा है सर। आप अपना स्थान ग्रहण करें। जोहार। नेत्र आवरण मानवता भवन के मसी बास्की संथाली फिल्म डायरेक्टर झारखंड मसी बास्की अंकिना नीतो दरवाजा बोल रहा वेलकम किया बोल। उल गुलान उल गुलान उल गुलान उल गुलान उल गुलान उल गुलान। उनको डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से बैच बनाकर सम्मान किया जा रहा है। सभी को गमछा भी देकर सम्मानित किया जा रहा है। आपको पश्चिम बंगाल की धरती में स्वागत है सर। अपना स्थान ग्रहण करें। अगले अतिथि हैं विनोद कौल सोशल एक्टिविस्ट कटोरिया बिहार। विनोद कौल सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता कटोरिया बिहार। उल गुलाम उल गुलाम उल गुलाम कहार उल गुलाम उल गुलाम कहार उल गुलाम कहार। पश्चिम बंगाल डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से उनको बैच बनाकर सम्मान दिया जा रहा है और उनको गमछा भी देकर सम्मान दिया जा रहा है। विनोद कौल कटोरिया बिहार से हैं। आपको पश्चिम बंगाल की धरती में आपका स्वागत है सर। वेलकम है सर। आपका जोहार है सर। जोहार। अगले अतिथि हमारे बीच प्रेसिडेंट सर। अच्छा सेक्रेटरी सर आवर आवर भुवनेश्वर कौल जी मंच लगे स्वागत है। भुवनेश्वर कौल जी कोई ड्राइवर चैनल में बना दिया मार्शल हो रहा स्कूल में बना दिया कॉलेज मार्शल पढ़ाऊ तो नहीं इनका सम्पन्न करते तो मैंने हम तो ना जो पॉम्पी हुई मारा सम्मान दरकार कॉलेज आईना मारा सम्मान व्यक्तिगत अपने कॉल लग आपको कॉल लगते हैं रिसर्चर को क्या कहते हैं रिसर्चर फिर काम तो आपके पाजे होते हैं। वेस्ट बंगाल आदिवासी कौन समाज सेवा संघ से बहुत बहुत आभारी है हम लोग आपका। चलिए
आप अपना मंच संभालिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सम्मान के लिए। तो दादा भैया मिश्री को अलग मैंने अजीत कमेंट को देखू थी कि बांगला वो को लह तो गाना वो हाँ जो अस्सी भाषा तो गाना वो हाँ अच्छा आर वो आया मैंने पढ़ कर तो जब आपको दूध रखने को बांग दूध रखने को अंको तो कटी है ना हिंदी थी कि बाल बोले वहाँ से तो इन्हें थी कि बार भाषा चौहान से आप स्वागत करेंगे उन बुला उन बुला ऐसे नहीं हाथ उठा कर दीजिए उन बुला उन बुला उन बुला ये सैंपल है। धन्यवाद। अद कोडाते गांव लेखान एटा एटा आदिवासी एलमानी सेटर कर आपू जतो तो इया जगह ओहबु जगह नहीं किया एने राती इनके इखाई अपे इन दो बार अपी जगह तीन लगा असु भुगी उपुल रे हिंदी लेगे दोहे कारण आयमा हड़ मिले को आयमा आदिवासी आसाम हिते बिहार हिते झारखंड हिते और पश्चिम बंग रेटा एटा जला हिते जगह कड़ा जगह बुझा दिया इनखान हिंदी लेगे बार जगह सामने दौरे चेष्ट। सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन की ओर से धरती आवा भगवान बिरसा मुंडा जी का 158वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर हमारे पूरे कोड़ा समाज नमन करते हैं, याद करते हैं उनको, तहे दिल से उनके कार्यक्रमों को अभिवादन करते हैं। मंच पर उपस्थित संचालक महोदय, विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी अगुआ कतार के नेतावृंद, विभिन्न जिला से आए हुए आदिवासी कोल समाज तथा कोड़ा समाज संथाल समाज के अगुआ कतार के नेतागण, सामाजिक नेतागण, नॉट फॉर यहाँ राजनीतिक नेतागण, सामाजिक नेतागण और हमारे आदिवासी समाज के माझी मोड़ोर माझी मापाजी गुणित नैकी छोड़ीदार अगर मंच पर उपस्थित हैं तो उनको मैं पश्चिम बंगाल आदिवासी कोड़ा समाज कल्याण संगठन की ओर से उलगुलान जोहार प्रदान करता हूँ। साथ में मेरे सामने मेरे अगल बगल माताएं बहने बेटियां और युवकों युवक नौजवानों आपको आपको भी उलगुलान सराहाव देते हुए मैं चंद बातें आपके सामने बाबा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का कार्यकलापों को उनके जिंदगी से जो शिक्षाओं को मैं एक दो शिक्षा आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपसे हिस्सादारी करना चाहूँगा। संचालक महोदय काफी जब से शुरुआत जब से तो माइक थामे हैं एक बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं अब वह दिसुम अब वह राज अब वह दिसुम अब वह राज अब वह दिसुम अब वह राज ये किसने कहा ये किसने कहा था ये नारा किसने लगाया था और क्यों लगाया था। जब कोलहाल में छोटा नागपुर में अंग्रेजों के एक तरफ अंग्रेजों का एक तरफ जोरदार जमींदार महाजनों का एक तरफ साहूकारों का अत्याचार का मेघ काला बादल जब गरजने लगा बार बार बिजलियां चमकने लगी और उस अत्याचार के खिलाफ उन अत्याचार के खिलाफ बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा ने एक ही बात कहा फलक अगर तुम्हें
इतना ही शौक है तीलियां गिराने की। हम मुझे भी चाहत है ठीक उसी जगह आसिया बनाने की। बाबा धरती आवा के बातों से मैं उनके इन बातों से मैं एक शायर के तौर पे आपके सामने अत्याचार के खिलाफ जो खड़े हुए थे, जो दल जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए थे, आपको अति तुम आपको राज, तो इसका मतलब आदिवासियों का राज कैसा था, आदिवासियों का दिसुम कैसा था, आदिवासियों का देश कैसा था। आप लोग भली भांति जानते हैं, मैं आपका उदाहरण एक पेश करना चाहूंगा। यहाँ पे जो आदिवासी है, जो दो चार या पांच दस या 100 आदिवासी है, कभी भी इनके मुंह से गाली नहीं सुनिएगा, कभी भी झगड़ा होते हुए नहीं देखिएगा आदिवासियों को। आदिवासी कभी भी बस के लिए झगड़ा नहीं करता है, बस में सीट के लिए आदिवासी झगड़ा नहीं करता है। अगर आदिवासी का कहीं झगड़ा भी होगा तो गाली गलौज उसके मुंह से नहीं निकलेगा। और आदिवासियों का यहीं पर अगर बगल में गांव है, चाहे वो नकड़ा कोंदा हो, चाहे लवनपुर हो, चाहे और भी अगल बगल झांझरा के पास गाँव हो, तिलावनी में हो, चाहे सल्पी में हो, आदिवासी गाँव में कभी भी आप अपने आप में एक मधुर मिलन देखने को आपको मिलेगा। आ रहा है जनवरी का महीना, सोहराई का महीना में आप लोग जाके देख सकते हैं बांधना में कितने सुंदर ढंग से वे लोग पर्व को मनाते हैं। यही दशाई पार हुआ, दशाई दुर्गा पूजा में कितने सुंदर ढंग से वे लोग मेल मिलाप के साथ। आज भी आदिवासी समाज में आपस में किसी प्रकार का छोटा से बड़ा झगड़ा होने के बाद वे लोग ग्राम सभा में जाते हैं, कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ते हैं, पुलिस के पास नहीं दौड़ते हैं। हाँ, इक्का दुक्का अगर दिख गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे समाज ही डूब गया, ये बात नहीं है। आज हमारा आदिवासी समाज इस प्रकार है, आपस में मेल मोहब्बत, एक दूसरे को सहयोग करना, और गाली गलौज तो उसके मुंह में साइज ही नहीं है, गाली गलौज के नाम पर हम महसूस करते हैं कि वो गूंगा है। इस तरह का प्रतिष्ठा को राज प्रतिष्ठा करने के लिए वे नारा दिए थे धरती आवा, क्योंकि हम लोग खट्टे खाने वाले आदमी हैं, हम लोग सत्य सत्य अहिंसा के पथ पर चलने वाले आदमी हैं, हम लोग इस तरह का कौम है जो कौम सत्य के सिवा दूसरा चीज नहीं मांगता है। क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हमें जल जंगल जमीन का नारा है। ये जो हम लोग नारा देते हैं, जल क्या है, जमीन क्या है, और जंगल से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, आप लोग अपने आप में प्रश्न कीजिए। इसका मतलब है कि हम लोग प्राकृतिक का पुजारी हैं, हम लोग सत्यता का पुजारी हैं, हम लोग अहिंसा का पुजारी हैं। ये बात हमारे समाज में व्यक्त है, व्यक्त था, जिसके कारण हमारे बिरसा मुंडा ने ये कहा कि अब अति तुम बाबू महाराज, हमें अंग्रेज जैसा राज नहीं चाहिए, हमें जोधपुर जमींदार का राज नहीं चाहिए, हमें साहूकार महाजन का राज नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो केवल आदिवासी का राज चाहिए, आदिवासी का राज चाहिए, अन्यथा हमें दूसरा राज नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये बात कहा था, अभुआ देखो अभुआ राज। मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर मैं वक्ता बहुत जाऊँ, मंच पर वक्तागण बहुत अत्यधिक वक्तागण है, अनेक वक्ता है, वे लोगों को भी चांस देने जरूरी है, मौका देना अति अवश्य है। इसलिए मैं अपने वक्तव्य को दीर्घायु नहीं करके संक्षेप नहीं कहूँगा। और बिरसा मुंडा के जीवनी तो एक समुद्र है। बिरसा मुंडा का जीवनी बखान करने का मतलब होता है कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। इसलिए मैं इतना दूर तक संक्षेप में कहना कर सकूंगा, मैं कहूंगा आपके सामने में प्रकट करूंगा इन बातों को, उसके बाद हम दूसरे लोगों को भी मौका देना अति जरूरी है, उनको भी मौका चाहिए। और क्या इसके साथ साथ मैं संक्षेप में कहूंगा, पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे पश्चिम बंगाल का पिछले हो या अगला हो, दुख और संताप के साथ ये बात कहना पड़ता है कि दुख से यह शरीर जैसा लगता है कि वो चल नहीं सकेगा। इतिहास के पन्नों को जब हम पढ़ते स्कूल में, तो कौन विद्रोह के खून
पश्चिम बंगाल में कोनों को ही नहीं पहचानता। अफसोस कि कौन को ही नहीं पहचानता है, जबकि यहाँ के बच्चे बच्चे कोल मित्रों से वाकिफ है, खासी मित्रों से ना वाकिफ है, नागा मित्रों से वाकिफ है, संताल मित्रों से वाकिफ है। लेकिन आज कोल मित्र ही सर्वप्रथम बताया जाता है कि कोलहान में कोल विद्रोह हुआ था। सबसे पहले विद्रोह हम लोगों को जहां तक ज्ञात है कि कोल विद्रोह हुआ था। आज कोल ही कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया भारतवर्ष में, अंग्रेज के खिलाफ हो, मुगल के खिलाफ हो, चौधरी जमींदार के खिलाफ हो, और पश्चिम बंगाल में आज कोलों को आदिवासी नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहेंगे आदिवासी? इतिहास को मिटा दीजिए आप, ना इतिहास रहेगा, ना बिहार में, ना उड़ीसा में, ना विभिन्न राज्यों में कोलों का इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन वो दम नहीं है। जिस दिन आप इतिहास को मिटाने जाइएगा, उस दिन समझिए कि ज्वालामुखी में हाथ दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं ऐलान करना चाहता हूँ, और आने वाले दिन में एक कोल, ये जो कोलों का जो एसटी तालिका में संश्लिष्ट करने की बात है, संयुक्त करने की बात है, इनका आंदोलन में कोणा समाज रहेगा, कोणा समाज है, कोणा समाज था। मैं कोल समाज को कहूंगा, आप अपनी इस लड़ाई को हमें नहीं, आज असम में जो लड़ाई चल रहा है, मैं असम की ओर नहीं जाता हूं। इसके साथ साथ आज के दिन से जो शिक्षा मिलता है, आज आदिवासियों का जमीन खरीदना बेचना नहीं चलता है। एक किसका दिन है, एक किसने दिया? ये दिया बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा ने। धरती आबा बिरसा मुंडा का खून अगर नहीं झरा होता, नहीं गिरा होता, अगर उनके खून से धरती नहीं सींचा होता, तो शायद ही सीएनटी एक्ट हमको मिलता। सीएनटी एक्ट जो मिला, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, जिसके तहत ये कहा गया कि आदिवासियों का जमीन जगह केवल आदिवासी खरीद सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। ये अभी तक कानून बरकरार है। पुनः आ गया आदिवासी जल जंगल जमीन के ऊपर है। आज माफिया लोग, भू माफिया लोग आदिवासियों को जमीन के ऊपर में गीत का तरह नजर कराए हुए हैं। हमारे जमीन का हस्तांतरण किया जा रहा है, हमारे जमीन को बेचा जा रहा है। ये लड़ाई मैं वो बात इसलिए कहा, इस बात के लिए आने वाला दिन में एक तरफ पचामी, एक तरफ देवजी पचामी, एक तरफ अयोध्या गुरु, दूसरे तरफ देवघर दुमका तरफ जो मरण गुरु क्या पहाड़ है, उनको उसे कारपोरेट लेवल को दिया जा रहा है। छोटे छोटे सिंडिकेटों को तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सिंडिकेट को जो लूट रहे हैं। आज प्रत्येक जगह आदिवासियों को ऊपर में एक के बाद एक हमला होता हुआ आ रहा है, और भी हमला होगा। केवल मणिपुर में दो महिलाओं को इस तरह से किए। अगर आज बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा के रास्तों का अनुसरण हम नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में जिस तरह से लंगर लगाया जाता है हमारे सिख भाइयों का, उस तरह से लंगर लगा के हमारे माता बहनों का इज्जत लूटा जाएगा, जो सामने दिन आ रहा है। क्योंकि यूसीसी बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बिल जिस दिन पास हो जाएगा, आज नहीं तो कल, केवल 2024 का केंद्र सरकार इंतजार कर रहा है। जिस दिन हमारा ये बिल पास हो जाएगा, उस दिन हमें आदिवासी कहने का अधिकार भी नहीं रहेगा। उसके बाद मैं जिन जिन बातों को कहा, वो बातें आप लोग अपने नजर के सामने में देखिएगा। इसलिए धरती आबा बिरसा मुंडा ने जिस तरह से सीएनटी एक्ट अपवादी सुभाव और राज को बचाने के लिए जान दिए थे, और उनके साथ हजारों की तादाद में हमारे आदिवासी समाज कतार के कतार उनके साथ, कोई काला पानी, कोई फांसी, कोई उमर कैद, इस तरह का दिन को काटे। आज भी दिन वही आ रहा है, धरती आबा बिरसा मुंडा के कार्यक्रमों से, उनके जन्मदिन से हमें शिक्षा लेना होगा कि जिस प्रकार कारपोरेट लेवल के लोग, जिस प्रकार भूमि माफिया, जिस प्रकार जोधा जमींदार महाजन एक होकर हम आदिवासियों को वर्तमान में भी लूट रहा है, आज प्रत्येक आदिवासी का
संथाल कोड़ा बन देखिए महाली मुंडा बन देखिए पीर हो मसूर हो बन देखिए देखिए कि वो आदिवासी है कि नहीं। और हम सारे आदिवासियों को एक होना होगा, सर्वप्रथम हमें एक होना होगा, एकजुट होना होगा, क्योंकि बाबा बिरसा मुंडा ने यही बात कह कर गए हैं। अगर एकजुट नहीं होंगे तो आने वाला दिन जो दिन है वो दिन बहुत काफी दुखद दिन है। इसलिए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करने से पहले धरती आबा बिरसा मुंडा जी का एक छोटा सा शायद शायरी है। बिरसा पुकारे एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी, बिरसा पुकारे एकजुट हो छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ दलित आओ आओ रे आदिवासी, खेत खलिहान खेत खलिहान से जाओ नगाड़ा बजाओ, लड़ाई छोड़ी नहीं लड़ाई छोड़ी नहीं चारा, सुनो रे देशवासी जोहार, दिसुम आदिवासी मारा गो, दिसुम आदिवासी मारा गो, दिसुम आदिवासी मारा गो, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी प्रणाम।